हेलो दोस्तों, ये स्पीकर रिकॉर्डिंग का आपका चौथा स्टेप है। चौथा स्टेप में आप देखेंगे वॉइस कॉल बिठाना। तो मैंने स्पीकर कंप्लीट कर लिया था। वीडियो एडिटिंग में मैंने थोड़ी मतलब वीडियो के पार्ट ज़्यादा कर दिए, क्योंकि वीडियो वो उसमें अपलोड नहीं हो रही थी, क्योंकि वो कह रहा था टू लॉन्ग है, काफ़ी लंबी हो गई थी, 50 मिनट की वीडियो हो गई थी। तो इसलिए मैंने इसके डिवाइड कर दिए पार्ट। आपको लास्ट में जब मैं पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा तो एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें आई बटन में आपको सारी उसकी सारी रिकॉर्डिंग की सारी वीडियो की लिंक दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने चौथे स्टेप पे, स्पीकर कैसे रिकॉन करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें कॉइल बिठाना सीखोगे आप। चलिए ना ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। और मेरे चैनल में नए व्यूवर हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और पुराने व्यूवर हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, आपके ही सपोर्ट से चैनल आगे बढ़ेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक यूट्यूबर आपके लिए बहुत मायने रखता है, आप हमारे लिए भी बहुत मायने रखते हो, क्योंकि जो आप जो हमें लाइक और सब्सक्राइब करते हो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन से हमें क्या होता है, हम और भी ऐसी वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, और लाइक सब्सक्राइब शेयर फ्री होता है, इसलिए मैं दोस्तों आपको बोलता हूँ, कोई पैसे नहीं लगते इसको करने के। कभी आप सब सोचो कि भाई ये मांगता रहता है कि जो पैसे लगते होंगे इससे, तो नहीं दोस्तों, इससे कोई पैसे नहीं लगते। आपको नीचे लाल कलर का बटन मिलेगा सब्सक्राइब का, उसे दबा देना। उसके बाद बेल आइकन को भी दबा देना, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसकी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, अभी ये आपका चौथा स्टेप है, इसमें आप कॉइल बैठाना सीखेंगे। तो आपको एक बार फिर से अपना जो बीच का कोर होता है इसको साफ कर लेना है। अगर इसमें कहीं पे भी आपकी आंस रही तो स्पीकर आपका खर खर करेगा। जैसे कोई आप इसमें सॉन्ग प्ले करोगे तो अलग से ही आवाज़ आती है, वो आएगी। इसको इतनी आपको बिल्कुल अच्छी तरह साफ करना है, इससे आपकी जितनी भी नॉइस होती है, बैकग्राउंड नॉइस, वो आपकी कम हो जाती है। आपका स्पीकर भी अच्छा बेस निकालता है, वो कहीं पे भी अगर इसमें होता है अगर कहीं आंस, तो वो फिर वो रुक के कॉइल जाती है, जिस वजह से ना इस करंट अच्छी तरह मतलब आपकी बास ख़राब हो जाती है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है। यही कंपनी वाले स्पीकर भी काफ़ी मेंटेन करते हैं अपनी क्वालिटी को देखने के, कि किस तरह काम हो रहा है। तो दोस्तों, आप भी वैसी मेहनत करेंगे तो आपका भी स्पीकर वैसे ही चलेगा। आपको भी आप अगर अच्छे सामान लगाएंगे तो अच्छी आवाज़ निकलेगी। तो दोस्तों, इसमें आप कॉइल बैठाने का देखेंगे, तो मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। ये दोस्तों, मैंने कॉइल लेके आया हूँ मैं, ये मेरे को मार्केट से 60 रुपीज़ की मिली। मैं आपको लास्ट में लिस्ट भी दिखा दूँगा मैं कितने रुपये का सामान लेके आया। मैं लोकल मार्केट से लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं, ये 8 ओम 150 वाट की कॉइल है, देख लो। ये 51 लिखा हुआ है, 51 टन होते हैं, और ये 8 ओम 150 वाट की है। तो हम ये कॉइल बिठाना सीखेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको एक कॉइल भी ऐसी साफ़ कर लेनी है, अगर इसमें कोई डस्ट वस्ट हो तो। उसके बाद आपको ऐसा करके रख के देखनी है, ये एकदम अंदर जानी चाहिए इसके, ये देख सकते हैं। आपको ऐसे डाल के देखनी है, अगर आवाज़ आए कोई खर खर की इसमें, तो आपको फिर निकाल के आपका कोर साफ़ करना है। तो मेरे को आवाज़ आ रही है इसमें अभी अंदर डालने में, तो मैं और साफ़ करूँगा कोर। तो दोस्तों, कोर साफ़ करते हैं हम फिर से। आपको जब तक साफ़ करना है तब तक इसमें आवाज़ आनी बंद नहीं हो जाती। जैसे जैसे आप कॉइल डालोगे तो उसमें आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आवाज़ आएगी तो आपके स्पीकर में कहीं ना कहीं डस्ट है। को मैं डस्ट दिखा देता हूँ कैसी दिखती है, फ़िलहाल तो साफ़ हो गई है, देख सकते हैं आप। आपको दिख रही हो तो शायद कैमरे में, ये डस्ट होती है, आपको यहाँ दिख रही होगी, ये छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, ये डस्ट होती है, इसे साफ़ करना है आपको। तो दोस्तों, मैं पूरा निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ, वरना तो पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये निकालने के बाद दिखाऊंगा आपको। दोस्तों, इसमें आपको ऐसा एक पेज लेना है, A4 साइज वाला पेज आता है ये, आपको ये लेना है। आप फोटो पेपर भी ले सकते हैं। आपको ये ऐसे करके इक्वल पार्ट्स में आपको काटना है, इसको कट करना है ऐसे करके। आपको ऐसे 4-5 पीस काट लेने हैं, तो मैं 4-5 पीस हो जाते हैं जब मैं आपको एक वीडियो ये दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ये 4 पीस काट लिए हैं, आप देख सकते हैं 4 पीस काटे हैं मैंने। अब आपको करना क्या है, इन 4 पीस को लेना है और साइड से कोन बना के काट लें। ये आपको ऐसे करके थोड़ा सा कोन बना के आपको इसमें से काट देना है, ये काट दिया आपका। ठीक है, आपको फिर क्या करना है, एक और पेपर लेके, आप पेपर ले लो ऐसे करके,
आपको ये फिर से साफ़ करना है और अच्छी तरह से साफ़ करना है, इससे आपकी नॉइज़ जितनी भी नॉइज़ होती है वो हट जाती है। तो वो जो पेपर था उससे हमने रस्ट से साफ़ करी थी, इससे आपकी कोई डस्ट होगी वो स्मॉल पार्टिकल साफ़ करे थे हमने से, इससे आपके स्पीकर में जितनी भी डस्ट होगी, धूल धूल होगी वो साफ़ होगी। उससे हमने पार्टिकल साफ़ करे थे, इससे हम डस्ट साफ़ करेंगे। यही मेन कोर होता है, ये आपका ढंग से साफ हो गया तो आप इतनी अच्छी बेस आएगी और साउंड क्वालिटी तो आप पूछो ही मत कितनी बढ़िया आएगी। तो दोस्तों मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया, क्योंकि ये काफ़ी महंगे बिकते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, 1800 से 2000 रुपये के बिकते हैं, तो इसलिए इन्हें काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाना पड़ता है। तो दोस्तों ये मेरा खुद का स्पीकर है, ये मैंने अपने होम घर के इस्तेमाल के लिए लिया था। तो कॉइल इसके मतलब पेपर कॉन काफ़ी पुराना हो गया था, तो बस ये आप देख सकते हैं ये फ्रीली अंदर जा रही है और मेरे को कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए अब कॉइल सेट करना सीखते हैं। हमने जो 4 पीस काटे थे, पहले आपको कॉइल को क्या करना है, स्पीकर को आपको ऐसे ही पकड़ना है। आपको ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे मेन काम जो होता है, लोग काफ़ी गलती कर देते हैं बनाने के चक्कर में, ये जो टर्मिनल होते हैं ये स्पीकर के टर्मिनल के सामने होने चाहिए। पहले तो ये सॉकेट होता है ना, इनके सामने होने चाहिए। सामने होने के बाद आपको कॉइल ऐसे बिठानी है कि उसकी थोड़ी कॉइल स्पीकर से ऊपर दिखेगी, थोड़ी सी ऊपर दिखनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस स्पीकर से थोड़ी ऊपर दिखनी चाहिए, ये जो इसकी वो होती है फेस, जैसे इतनी बड़ी स्पीकर की कॉइल है, आपको ज़्यादा जैसे इतना नीचे भी नहीं रखनी है, वरना तो आपकी आवाज़ करेगा, ज़्यादा ऊपर रख दोगे तो फटने की आवाज़ आएगी। और ये मीडियम में अगर मतलब आवाज़ भी दबती है इससे, आप अगर ऐसे रखोगे तो साउंड क्वालिटी बढ़िया आएगी, बेस भी बढ़िया आएगी और स्पीकर भी काफ़ी बढ़िया तरह बाउंस करेगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप हैं, तो मैं आपको उसको सेट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने कॉइल सेट कर लिए, आपको दिखा देता हूँ। जो आपने पीसेस काटे थे, अपने जो पेपर पीस काटे थे जो मैंने बताया था आपको, वो इसमें सिंपली ऐसे करके डाल देना है। उसके बाद अब मेन काम है आपको कॉइल सेट करना ढंग से। तो आपको ये ऐसे करके गोल राउंड करके देखना है कि आपकी कॉइल जो है वो सही से एक लेवल में है ना, मतलब जैसे कभी एक तरफ से ऊपर हो जाती है, एक तरफ से नीचे हो जाती है, तो ऐसे मेरी कॉइल ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं है। तो ये मेरी कॉइल पूरी तरह सेट हो गई है। ये पेपर इसलिए डालते हैं कि कॉइल और जो बीच का जो ये मैग्नेट का हिस्सा होता है ये आपस में टच ना हो। तो चलिए मैं दिखा। तो दोस्तों मेरी पूरी तरह से कॉइल सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको कॉइल के जो टर्मिनल है उसको सिंपली ऐसे करके अंदर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जो आपके जो ये बाहर के टर्मिनल होते हैं, पहले स्पीकर के जो होते हैं, आपको उन्हें काट लेना है सीज़र की मदद से। तो दोस्तों मैं सीज़र ले लेता हूँ, सीज़र ले ली, और मैं सीज़र की मदद से इन्हें पिछले टर्मिनल को काट देता हूँ। ये मैंने काट दिया और ये मैंने दूसरा टर्मिनल भी काट दिया, पिछला टर्मिनल, ठीक है। काटने के बाद आपको क्या करना है, आप मैं इसमें फेविबॉन्ड इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये मार्केट में आपको 20 रुपये की मिलेगी, मैं आपको इसका MRP भी दिखा देता हूँ, MRP कहाँ लिखी हुई है। तो इसमें एक आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं कि आपको 10 से 15 मिनट के बाद इसमें लगाने के बाद टच करना है और 2 से 3 घंटे बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्पीकर को। और देख सकते हैं ये 20 रुपये लिखा हुआ है MRP, आप देख सकते हैं 20 रुपये MRP लिखा हुआ है, और ये आपको 25 ml में मिलेगी। तो आप निकाल देता हूँ, दिखा देता हूँ कैसी होती है, ऐसी होती है फेविबॉन्ड, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको दोनों साइड लगानी है। एक तो ये आपके हमारे आपको पता चल गया, आप मेरी कॉइल पूरी तरह सेट हो गई, आपने देख लिया। चेक करने के बाद आपको करना क्या है, ऐसे करके ये आपको इसमें ज़्यादा ऐसे करके लगा देनी है, ना ज़्यादा होनी चाहिए ना ज़्यादा कम होनी चाहिए, एक मात्र में आपको लगानी है चारों तरफ। ये मैं लगा लेता हूँ एक जैसे ही चारों तरफ, लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ फिर मैं। ये देखो दोस्तों ऐसे करके लगा लेनी है आपको। लगाने के बाद आपको करना क्या है, लगाने के बाद दोस्तों ये है मेरा स्पाइडर, इसे स्पाइडर कहते हैं। अब स्पाइडर पे भी आपको ऐसे करके लगा लेनी है, ये चारों तरफ से एक जैसी लगानी है आपको, स्पाइडर पे भी चारों तरफ से लगा लेनी है, जैसे एक मात्र में लगानी है आपको, मतलब ना ज़्यादा कम होनी चाहिए एक तरफ, ना ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं ये लगा रहा हूँ, आप भी ऐसे लगाना, देख ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, ठीक है। लगाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, जैसे मैंने कंप्लीट कर ली, मैंने चारों तरफ लगा ली इसके, तो आपको करना है जो आपने कॉइल सेट करी थी उस पर ऐसे करके डालनी है, ये ऐसे कर लेना अंदर, ये डालनी है आपको, ये बिठाना है कॉइल पे।
दोस्तों, कुछ नहीं करना, इससे आपकी कॉइल जो है वो ऊपर नीचे नहीं गई होगी। कर लिए आपको करने के बाद, ठीक है दोस्तों, करने बाद वो सीजर, वो सीजर कह रहे आपको ये पेचकस लेना है। पेचकस लेने के बाद ऐसे करके आपको दबा देनी है, ये ऐसे करके आपको दबा देनी है, इससे गम जो है काफ़ी अच्छी तरह चिपक जाएगी। ऐसे करके आपको चारों तरफ से करना है, करने के बाद अच्छी तरह से करना है। इससे आपका ये ना आवाज़, ये भी आवाज़ आपकी बेस बनाने में काम करता है। अगर ये आपका स्पाइडर ढंग से नहीं लगा हुआ तो इसकी वजह से भी आपके बैकग्राउंड नॉइस आती है, घर घर की आवाज़ जैसे एक्स्ट्रा नॉइस जो आती है वो, ठीक है। लगाने के बाद आपका स्पीकर कुछ ऐसी तरह दिखने लगेगा। इसके बाद आपको इसमें एक और चीज़ इस्तेमाल करनी है, एराडाइट। ये आपको 40 रुपीज़ की मिलेगी, 13 ग्राम की है, ठीक है दोस्तों। अब मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर कैसी ट्यूब होती है। एराडाइट की एक वाइट सोल्यूशन होता है और एक ये होता है, इसमें एक अलग डिफरेंट कलर में आता है एक, और ये एक इसमें येलो कलर का निकलेगा, एक इसमें वाइट कलर की निकलेगी। वाइट वाली है और येलो वाली ये ब्लू कलर में, ठीक है। आपको करना क्या है, किसी भी एक पेज पे, कोई भी आप पेज ले लो, यही वाला पेज ले लेता हूँ मैं, ठीक है। इस पर आपको करना क्या है, ऐसे करके खोल के इस पर आपको डाल लेनी है। ये देखो इसमें एक सील लगी होगी, आपको सील को पहले ओपन करना है। मैं सील ओपन कर लेता हूँ, तो दोस्तों मेरी सील ओपन हो गई है, तो मैं ये डाल लेता हूँ। आपको एक बराबर में ही डालनी है, ये देखो मैंने ये वाइट वाली डाल ली इतनी, और इतनी आपको येलो वाली डालनी है। तो दोस्तों मैं येलो वाली भी डाल लेता हूँ। मैं आपको ये ज़्यादा लंबी इसलिए वीडियो बन रही है क्योंकि आपको मैं प्रॉपर वे में सिखा रहा हूँ। आप अगर कोई और चैनल में देखोगे तो आपको शॉर्टकट में भी मिल जाएगी, लेकिन उसमें क्या होता है ना, आप जो मिस कर देते हो चीज़, वही आपके बाद में फिर कहते हो आपकी आपका बेस नहीं बनना, आवाज़ फट रही है। इसके बाद आपको करना क्या है, ऐसे एक हार्ड पेपर को लेना है, उसकी एक छोटा कटलिंग बना लेना पीस। पीस बनाने के बाद इसे मैंने बना लिया है। इसके बाद आपको ये मिक्स करना है, मिक्स करना है जब तक ये बढ़िया तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। ये मिक्स करना है, ये आपको जब मिक्स हो जाएगा तो आपका एक कलर मिक्स होके एक चमकीला कलर बना देगा वाइट में, देख सकते हो। आपको जब तक मिक्स करना है जब तक ये प्योर वाइट नहीं हो जाता, देख सकते हैं ये मेरा वाइट कलर का सोल्यूशन बन रहा है। और ये इस एराडाइट से क्या होता है, ये आपकी कॉइल फिक्स हो जाती है, जैसे गर्म हो जाती है ना तो कॉइल छूटती नहीं है स्पाइडर से। और हम ये फाइव बॉन्ड का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो गर्म होने के बाद वो छूट भी सकती है, ये नहीं छूटती है ये एराडाइट जो होती है। तो दोस्तों ऐसे करके आपको लगा लेनी है, लगाने के बाद आपको स्पीकर में लगा लेनी है ऐसे करके, जो आपकी कॉइल है कॉइल में आपको लगा लेनी है सिंपली। कॉइल जो आपकी है करके कॉइल में सारी तरफ लगा लेनी है, लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने चारों तरफ से लगा ली है, आपको कंजूसी नहीं करनी है। ये 40 रुपये की है तो आप थोड़ी थोड़ी लगाओगे, आपको कंजूसी नहीं करनी है। कंजूसी करने से आपका सारा साउंड सिस्टम ख़राब हो सकता है, ठीक है। ना ज़्यादा लगानी है ना ज़्यादा कम लगानी है, ठीक है। इतना होने के बाद आपको पेपर कॉन इसका ऊपर का जो होता है वो चिपकाना है, वो आपका ये आपका 5वां पार्ट है, 5 स्टेप, और लास्ट बचेगा 6 स्टेप। 6 स्टेप में आपको मैं फिनिशिंग करके टेस्ट करके दिखा दूँगा, ठीक है दोस्तों। मैं इसमें ये वाला पेपर कौन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पेपर कैन है, ग्रेट कंपनी ने बनाया है इसे, ग्रेट कंपनी ने। आप देख सकते हैं, ये आपको इसमें थोड़ा काट के लगाना पड़ेगा, तो मैं आपको काट कूट के फिर आपको दिखाता हूँ इसके बाद वीडियो में क्या होता है। चलिए दोस्तों मैंने एक काट लिया है, ये मतलब कोन आपको दिखा देता हूँ पहले कैसा था। पहले कोन ऐसा था, ये छोटे शेप में जो है, ये 1 इंची कोयल में, अब ये 2 इंची कोयल में हो गया कोन। आपको कोन को रखना है ऐसे, रखने के बाद आपके जो फेविबॉन्ड थी फेविबॉन्ड को लेना है,
और ऐसे करके पूरे में लगाना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एक मात्रा में ऐसे करके लगा लेना है आपको, पूरे में लगा लेना है जहाँ तक आपसे लगे, सारे में आपको लगा लेना है, ठीक है। और एक मात्रा में लगाना है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। तो ये पाँचवा स्टेप है, इसके बाद लास्ट स्टेप बचेगा, उसमें आपको चेक करके मैं दिखा दूँगा। ये टाइम इसलिए इसमें ज़्यादा लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बड़ा स्पीकर है 12 इंची का, ठीक है। आपके पास अगर 5 इंची 4 इंची हो तो उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लग जाएंगे। इसको मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहा हूँ, वैसे काम तो धीरे धीरे ही करना चाहिए, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि YouTube पे वीडियो डालने में मतलब अपलोड होने में भी काफ़ी टाइम लगता है, क्रिएट करने में भी काफ़ी, एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हो, मैं आप जरूर लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही सकते हैं, एक कमेंट और लाइक करने, नहीं तो एक सब्सक्राइब करने में आप कुछ जा थोड़ी ना रहा है, मतलब पैसे वाला थोड़ी ना काम है कि आपको पैसे लगेंगे, आप सब्सक्राइब करोगे या लाइक करोगे कमेंट करोगे तो पैसे लगेंगे आपके, तो पैसे नहीं लगेंगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ क्या कर ले करो, कंजूसी नहीं करनी है आपको, मैं पहले ही बता रहा हूँ, आपने कंजूसी जहाँ कर दी वहीं आपका स्पीकर बेकार हो जाएगा, ठीक है। दिल खुल कर लगाओ, ये नहीं है यार, अब तुम सामान बना भी रहे हो तो मतलब सामान भी ढंग का बनना चाहिए ना, अब ये नहीं है कि मतलब ये सामान ढंग का ना बने, आपको ऐसे करके सारे में लगा लेना है जितना आपका स्पीकर है। तो दोस्तों मैं सारे में लगा लेता हूँ, तो लगाने के बाद दिखाता हूँ हैं वीडियो थोड़ा, तो काफ़ी लंबा जा रहा है वीडियो, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ लंबा जाने के लिए। मैंने पूरे पे गोंद लगा ली है, अब उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने इस पे गोंद लगाई थी आपको उसको सीधा पलट देना है, पलट करने के बाद आपको इसमें सेट करना है कॉइल में, आपको बस आपका फिनिशिंग हो गई है। अब इसके टर्मिनल वाली वो आपको 6th पार्ट में आपको स्टेप में आपको दिखाऊँगा मैं, इसका 6th स्टेप में आपको मैं इसमें बस फिटिंग करना सिखा रहा हूँ, तो फिटिंग कैसे करनी है। आपकी कॉइल बैठ जाएगी, कॉइल बैठने के बाद दोस्तों ऐसे करके आपको कॉइल बिठा लेनी है, जैसे मैं बिठा रहा हूँ इस टाइम, तो इस तरह से कॉइल बिठा लेनी है, तो आपको ऐसे सेट कर लेनी है। कॉइल करने के बाद आप देख सकते हैं आपको वही प्रोसेस करना है जो मैंने बताया था, ऐसे करके रगड़ना है आपको पूरे में आपको रगड़ना है। इससे क्या होगा आपकी जो इसमें जो चिपकन है वो अच्छी तरह चिपक जाएगा आपके फोन में। ये देख सकते हैं, तो अब मिलते हैं अगले 6th पार्ट, इसका लास्ट पार्ट होगा, उसमें आपको कंप्लीट करके दिखा दूंगा मैं, ठीक है दोस्तों।